गुना की बमोरी विधानसभा से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को हराकर चुनाव जीते कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपनी जीत की वानगी बताई। देखिए रिपोर्ट। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल जी, जो कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया को मात दिए, भैया उनसे बात करेंगे। भैया पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू भाई, और सर्वप्रथम मैं बमोरी की पूरे जनता का, बमोरी के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे से इतना भरोसा जताया, इतना प्रेम और इतना आशीर्वाद दिया। और साथ ही सब ने मिल के जो चुनाव लड़ा है, ये बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं सबको पूरे कांग्रेस पार्टी को, जो लोग मेरे संग प्रत्यक्ष रूप से थे, जो लोग मेरे संग अप्रत्यक्ष रूप से थे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे कि जो पीछे से लगे थे, उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत मंत्री जी के 22,500 करोड़ विकास कार्य कहाँ गए? ये तो साहब आप चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं, आप देखो मुंबई में 22,500 का विकास हो रहा है। सभी जगह लाडली बहन योजना का जादू चला है, पर बमोरी में अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। मैं बार बार यही कहूँगा कि मेरे को तो पूरी बमोरी के सभी लोगों का, सभी वर्ग का, सभी माताओं का, बहनों का, सभी का मेरे को आशीर्वाद एक आप युवा हैं, युवाओं के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मतलब इसको मैं कैसे देखूँ कि सोच एक ही है जो सब लोगों के सामने काम करना है, और दूसरा लक्ष्य एक ही है कि सब का विकास करना है। बमोरी में क्या आप रह चुके हैं, क्या आपकी नई योजना? पूरी ताकत से जो हर संभव काम बमोरी में हो सकेगा। देखिए हमने कांग्रेस जो प्रत्याशी थे ऋषि अग्रवाल जी, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बात की। एमपी न्यूज गुना फिर मत।